नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रेंडली राइज कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च करते हैं HCS 2018 जो कि 2019 में एग्जाम होगा। HCS 2018 का 2019 में एग्जाम होगा मार्च के आसपास, और उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग है, जिससे कि अगर आपकी तैयारी अभी तक ठीक से नहीं हुई है या आपने स्टार्ट नहीं किया है तो आप अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। ये बैच है वो 4 जनवरी से स्टार्ट होगा, 4 जनवरी 2019 से। जैसे मैंने बताया कि अब मार्च में इस एग्जाम की होने की पूरी पूरी संभावना है, मार्च हो सकता है अप्रैल में भी जाए, तो 2-2.5 या 3 महीने के आसपास आपके पास समय बचा हुआ है, और ये समय काफी ज्यादा क्रूशियल है। 4 साल के बाद ये एग्जाम आया है और ये अब तो होगा ही होगा, चाहे वो 2 महीने हो या 3 महीने में, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। Opportunity to prepare if preparation is not up to the mark. अभी तक अगर आपका उस लेवल की प्रिपरेशन नहीं हुई है, सी सेट की नहीं हुई है, GS की नहीं हुई है, आपने मॉक टेस्ट नहीं दिए हैं, तो आप इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ये कोर्स में होगा क्या, इस कोर्स के बारे में क्या खास बात है? एक तो ये फास्ट ट्रैक कोर्स होगा, मतलब कि सिलेबस बहुत फटाफट कवर किया जाएगा। अगर आपके पास 6 से 8-10 घंटे हैं और अगर नहीं है तो आपको निकालने हैं, क्योंकि एक बार बार एग्जाम होगा नहीं और बड़ा एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन का लेवल एक अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 4 जनवरी से है ये स्टार्ट होगा, 60 दिन का शेड्यूल होगा, 60 से लेकर 75 डेज के बीच में, जिसमें कि वीडियो लेक्चर्स हर टॉपिक का वीडियो, चाहे वो हिस्ट्री हो, हिस्ट्री में जितने भी टॉपिक है, साइंस में जितने भी टॉपिक है, इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी में जितने भी टॉपिक है, इकोनॉमिक्स में जितने भी टॉपिक है, ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक है, और ऐसे ही रीजनिंग के टॉपिक है, मैथ के टॉपिक है, और उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस के लिए 40 फुल लेंथ टेस्ट, 20 जीएस के और 20 सी सेट के। सी सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते सी सेट पे और वो बहुत ज़्यादा जीएस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन सी सेट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या इनफैक्ट गेम चेंजर होने वाला है, तो सी सेट पे आपको पूरा ध्यान देना चाहिए। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो कोर्स है आप प्रीलिम्स प्लस मेन इंटीग्रेटेड कोर्स में भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ प्रीलिम्स कोर्स के रूप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, और टेस्ट सीरीज भी अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और IAS प्लस HCS कंप्लीट कोर्स हाईली रिकमेंडेड, अगर आपकी एज 32 जनरल कैटेगरी 32 साल से कम है, या 35 OBC 35 साल से कम है, या SC 37 साल से कम है, तो आपको HCS प्लस IAS से रिलेटेड ये कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि HCS और IAS का सिलेबस लगभग सेम है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा वो चेंज हो सकता है, सी सेट उसमें भी है, सी सेट इसमें भी है, बल्कि IAS में ऑप्शनल एक ही है जबकि HCS में 2 ऑप्शनल है। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हैं कि आप जब एक एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी हो रही होगी, और IAS की जब अगर तैयारी हो रही होगी तो HCS की भी तैयारी होगी, तो एक दूसरे के इंटीग्रेटेड, एक दूसरे के पूरक हैं ये। इसलिए आपको इस कोर्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर आपकी एज कम है तो। अगर आप 25-30 साल या इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी ये है। और यह भी हो सकता है कि HCS से पहले IAS का एग्जाम हो जाए, क्योंकि IAS का आमतौर पर जून में एग्जाम होता है, तो अगर लंबा खींचता है HCS का, जिसकी संभावना अब तो कम ही है, लेकिन फिर भी आपको तैयार रहना चाहिए। 50% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है न्यू ईयर पे, एक स्पेशल स्कीम, और इस स्कीम का अगर फायदा उठाना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको काफी इकोनॉमिक पड़ेगा, काफी सस्ता पड़ेगा। जैसे कि अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस HCS का करना चाहते हैं पूरा, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तक, तो ये 2 साल तक के लिए वैलिडिटी है। 25,000 की जो कॉस्ट है अब आपको 12,500 पड़ेगी, जिसमें कि ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होंगे, मेंस भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। ऑप्शनल हम 4 सब्जेक्ट कराते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी, इन चारों पे में से कोई भी आप 2 सिलेक्ट कर पाएंगे। HCS 2 साल के लिए होगा, ये भी 12,000 रुपये कॉस्ट है 2 साल, या फिर जब एग्जाम हो जाता है, जैसे कि अगर मान लो अभी एग्जाम हो जाता है मार्च का, और फिर ये तो मार्च में हो जाता है, या मैक्सिमम 2 साल का जा सकता है। कहने का मतलब है कि 2018 का जो एग्जाम था उसकी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जाती है। IAS प्लस प्रीलिम्स, IAS प्रीलिम्स मेंस इंटू, अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं कि HCS में आपका कोई रुझान नहीं है, सिर्फ IAS का करना चाहते हैं, तो वो कोर्स भी कर सकते हैं,
वो कोर्स भी कर सकते हैं, आरएस का करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, टेस्ट थ्री ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 40 टेस्ट होंगे, 20 सीसेट और 20 जीएस। लेकिन जिन्होंने जिन्होंने एचसीएस प्रीलिम्स या एचसीएस प्रीलिम्स प्लस मेंस ये ज्वाइन किया है तो उनको अलग से टेस्ट सीरीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद है एचसीएस प्लस आईएएस इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं जो कि हाईली रिकमेंडेड है। अगर आपकी एज आपको सूट कर रही है तो ये कोर्स फिर बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ जाता है। और जो इंडिविजुअल कोर्स होते हैं जैसे कि मान लो प्रीलिम्स की आपने फिर मेंस करते हैं तो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा और हो सकता है उसमें आपका नंबर आए या ना आए, क्योंकि उसमें हमें पेपर इवेल्युएट करने होते हैं। तो बेटर ये है कि आप पहले ही अपने आप को तैयार रखें। एचएस आईएएस आरएएस के रूप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये बहुत सारे नायब तहसीलदार का भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो बहुत सारे हमारे पास कोर्सेज हैं जो आपको सूट करे वो ज्वाइन कर सकते हैं। 4 जनवरी से डे वाइज शेड्यूल आपका 4 जनवरी से ये स्टार्ट हो जाएगा और ये फास्ट ट्रैक चलेगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से आप कर पाए। हर टॉपिक का वीडियो पीडीएफ फिर उसके ऊपर एमसीक्यू, इस तरह की जब स्ट्रेटजी होगी आपके सामने तो ये टाइम आउट मैनर में जब होगा प्रेशर आपके ऊपर होगा और टारगेट ओरिएंटेड होगा आपकी अच्छी तैयारी होगी। ठीक है, इससे रिलेटेड और कोई अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे, ये एक नंबर है और इस ईमेल पे कर सकते हैं, वरना आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये कोर्सेज रिलेटेड वो खुल जाएगी। और राइट क्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर, तो आपको आप इसके जरिए नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इस तरह से पेमेंट कर पाएंगे। तो पेमेंट करने का तरीका क्लिक हेयर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होगा, ज्वाइन कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारी स्ट्रेटजी है, कब बैच स्टार्ट होगा, कौन से कोर्सेज है वो आपको समझ में आई होगी और हम इसी तरह से मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।